विराट कोहली के बल्ले से स्पेशल शो आया, T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट पक्का करवाया, साथ में उन सब के मुंह पर तमाचा लगाते हुए मुंह बंद करवाया। जी हाँ, विराट कोहली के बल्ले से बेंगलुरु में स्पेशल शो आया। विराट कोहली ने तो पंजाब के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली, वह भी 157 के स्ट्राइक रेट से। उन्होंने अपने पारी में 11 चौका और 2 छक्का लगाया। तो कोहली के बल्ले से स्पेशल शो कैसे आया, हम आपको बताते हैं। बेंगलुरु में पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद अब उनके नाम T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक हो चुके हैं। और जहाँ तक मुंह बंद करने की बात है, हाल ही में विराट कोहली के बारे में यह खबर आई थी। कुछ लोगों का मानना था विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। हालांकि विराट कोहली बेंगलुरु में 157 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा भी लगाया और मुंह भी बंद करवाया। अगर विराट कोहली पंजाब के खिलाफ इस मुकाबला में 157 के स्ट्राइक रेट से 77 रनों की पारी न खेलता तो RCB को जीत दिलाने के लिए दिनेश कार्तिक और मोहिपाल लोमरूर के लिए नामुमकिन हो जाता, क्योंकि विराट कोहली एक छोर को अच्छे से संभाला, दूसरे छोर पर विकेट गिरते गए। फाफडू प्लेस से 7 बॉल खेलकर 3 रन बनाकर आउट, कैमरन ग्रीन 5 बॉल में 3 रन, रजत पाटीदार रन अप बॉल खेलकर आउट और ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 11 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरे छोर पर विराट कोहली प्रहार जारी रखा और रन रेट को बढ़ने नहीं दिया। विराट कोहली की ऐसी पारी देखकर अब शायद T20 वर्ल्ड कप में उनको खिलाने में टीम मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा।